अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ असलान महमूद मलिक फ्रॉम असलान ट्रॉनिक्स। गाइस कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? वेल गाइस, आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अक्सर औकात आपके घर में आपकी जो LED TV होता है वो, या आपकी जो कंप्यूटर की जो LED LCD स्क्रीन होती है जिस तरह से मेरी है, ये बहुत ज़्यादा कुछ अरसे बाद ये हैज़ी हो जाती है, इसके ऊपर लाइन्स मतलब ये इस तरह के जो है अजीब से धब्बे आना शुरू हो जाते हैं और जो है कुछ फिंगरप्रिंट्स वगैरह इसके ऊपर अजीब से लग जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस तरह से साफ़ करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कोई भी घर में गंदा कपड़ा पड़ा हुआ उसके ऊपर मारना शुरू कर देते हैं या टिश्यू पेपर में पानी लगा के उसको साफ़ करते हैं, तो कुछ अरसे में होता है कि LCD पर या तो लाइन्स आ जाती हैं या वो उसकी जो अंदर की जो LEDs जो होती हैं, जो बैक लाइट्स होती हैं, वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। अगर तो आप ये हरकत कर रहे हैं, अगर आपके पास TFT LCD है उसके अंदर अगर आप ये हरकत कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं जो कि CCFL होते हैं, वो हाई वोल्टेज पर चल रहे होते हैं इन्वर्टर कार्ड के ऊपर, वो बड़ी ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक मार सकते हैं क्योंकि वो उसके अंदर जो बहुत हाई वोल्टेज आ रहे होते हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आपके घर में LED TV है 32 इंचेस का, उससे बड़ा अगर है 40 इंचेस इस तरह से, या 50 इंचेस का, या अगर आपकी ये लैपटॉप की है, अगर आपकी ये डेस्कटॉप की LED स्क्रीन है, तो उसको आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो चले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस प्लीज़ वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अच्छा गाइस, सबसे पहले इसको साफ़ करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक ग्लिंट होना चाहिए, ये देखिए इस तरह से ग्लिंट के साथ आपके पास एक होना चाहिए, टिशू पेपर का बॉक्स होना चाहिए, 2-3 टिशू पेपर से तो आपका काम हो जाएगा। और अगर टिशू पेपर्स नहीं है आपके पास, अगर आपके पास वो ग्लासेस तो के अंदर जो कपड़ा निकलता है जो उसका सेफ्टी क्लोथ होता है, अगर वो भी आपके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दी कि आपने जो है इसके ऊपर कोई भी जो है घर में कोई गंदा डस्टिंग का कपड़ा हो या कोई भी ऐसा कपड़ा हो, आपने उसके ऊपर पानी वानी लगा के बिल्कुल यूज़ नहीं करना इसको, ये स्क्रीन डैमेज हो सकती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने लेना है सबसे पहले टिश्यू पेपर अपने हाथ में, उसके बाद आपने क्या करना है, जो ग्लिंट है इसको आपने स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली आपने स्प्रे नहीं करना है। सबसे पहले एक जो सूखा जो ड्राई जो टिश्यू पेपर है वो आप अपनी स्क्रीन पर अच्छी तरह से मार लेंगे, यूज़ करके देखें कुछ इस तरीके से। अब ये जो जिस तरह से अब ये वाइट फिट स्पॉट जो ये हटेंगे नहीं, क्योंकि जब ये स्क्रीन डिस्पैच होती है कहीं इधर उधर से जब ये आती है, तो जो है क्या नाम है इसका, जब इसको जब यहाँ पे डिलीवर करते हैं उसके दौरान जो है इसके ऊपर कहीं पे अगर रॉड वगैरह आ जाए तो ये वाइट फिट इसके ऊपर लाइन लग गई, ये तो कहीं नहीं जा सकती। अगर ये गायब करनी, इसके लिए फिर आप लोगों को थोड़ा सा खर्चा वर्चा करना पड़ेगा, इसके ऊपर ये पोलराइजर आगे से चेंज करना पड़ता है, तो उस पर आपकी स्क्रीन डेड भी हो सकती है, इससे आप इग्नोर करें, इससे कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है। तो अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर जो मट्टी छट्टी थी वो मैंने हटा ली है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली जो ग्लिंट जो है मैंने स्प्रे करना है इसके ऊपर टिश्यू पेपर पे, तो मैं स्प्रे कर रहा हूँ उसको आपके सामने, ये देखिए ग्लिंट मैंने स्प्रे कर लिया इसके ऊपर अच्छी तरह से। अब मैं इसको उसके ऊपर लगा रहा हूँ, देखें आप लोगों के सामने क्या आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरीके से शाइन आनी शुरू हो रही है और स्क्रीन साफ होनी शुरू हो रही है। तो मैं उसको आराम आराम से, मैं बिल्कुल अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करनी, इसको साफ करते हुए आप लोगों ने यूँ करके ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, खासतौर पर आपकी जो LED TVs जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसको हल्का सा भी अगर आप तो ज़ोर से प्रेस किया इसके जो आगे का जो पैनल जो स्क्रीन है वो टूट जाएगी। इसमें ये होता है कि आपको जो कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है इसमें थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाती है, क्योंकि उसके पीछे के जो पैनल्स होते हैं वो लोहे के होते हैं, तो LEDs के जो होते हैं प्लास्टिक्स होते हैं, तो उस वजह से आपको जो है उस पर थोड़ी एहतियात करनी है। और इसमें भी एहतियात करें, बस आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने इसको साफ़ करते हुए पुश नहीं करना ज़ोर से, बिल्कुल आराम से आपने इसको इस तरीके से देखें, बिल्कुल स्लाइटली आराम आराम से हल्के हाथ से आपने साफ़ करना है इसको, ये देखें कुछ इस तरीके से, ये देखें कितना गंद निकला टिश्यू पेपर के ऊपर, इस तरीके से आप साफ़ करें। उसके बाद जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाए, फिर आपने दोबारा से टिश्यू पेपर एक फ्रेश टिश्यू पेपर निकालना है और दोबारा से आपने ये प्रोसेस जो है रन करना है। तो मैं ज़रा से टिश्यू पेपर एक निकाल देता हूँ, ये देखें मैं आप लोगों के सामने, मैं कोई पार्ट स्किप नहीं करूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये देखें मैंने डायरेक्टली बिल्कुल स्क्रीन पे आप लोगों ने कोई भी जो फ्लूइड वगैरह स्प्रे नहीं करना है, आपने बस इसको टिश्यू पेपर पर लगा कर और ऐसे यूज़ करना है आपने, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन है वो साफ़ होती रहेगी। तो ये देखिए, ये आप लोगों के सामने है, देखिए बिल्कुल स्क्रीन कैसे चमक गई है, थोड़ा सा अगर कहीं पे और डस्ट फर्स्ट आपको नज़र आ गई तो आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर दें उसको। अच्छा, अब मैं इन सारी चीज़ों को साइड पे रखता हूँ और अब ज़रा हम इसको स्क्रीन को चला के चेक करते हैं कि स्क्रीन जो है सही चल रही है या कोई प्रॉब्लम, मैंने कहीं पर लिक्विड वगैरह फेंक दिया, तो मैं इसका स्विच ऑन कर लेता हूँ,
स्क्रीन के मैंने स्विच ऑन कर लिया, अभी थोड़ी देर में खुद ही ऑन होगी। ये देखें आप लोगों के सामने स्क्रीन बिल्कुल सही तरह से ऑन हुई है, कोई इसके अंदर जो है लाइन नहीं आई है या कोई इस तरह का इशू नहीं आया इसमें। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।